सड़क के रूप से गुजरेंगे तो लोग लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत, शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इलाकों में युवा शक्ति नजर आए कि आपको कुछ इलाकों में जी। आयशा, वो गाड़ी पर खड़े खड़े बाहर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी लोगों के उत्साह को देखकर उनको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं अभिवादन का। आयशा जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 2-3 दिनों से कर्नाटक के साथ सीधे सीधे जुड़े हैं और कर्नाटक में दिल्ली में भी उन्होंने बारिश को कन्नडा डिप्टी बंगला का जो उत्सव है उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा राज्य जो तेजी से विकास की ओर जुड़ जाता है और हमेशा से बसेरना के जो की विचार है जो चुनौती है उसके नजरिए पर चलता रहा है। समाज जीते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और अभी अभी उन्होंने इस तरह की भीड़ उमड़ पड़ी है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लेकिन क्यों इतना है, लोग इतनी खुशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, बेलगाम में अब उनका भाषण सुनने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आयशा, आपने कर्नाटक के लोगों का जो विकास के प्रति लगाव है उसका जिक्र किया, मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि जब साल 2008 और 2013 में मैं कर्नाटक गया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके प्रति लोगों में मैंने गजब का उत्साह कर्नाटक में देखा था। ये कौन सा कनेक्ट है? तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के लोगों की जो कला और संस्कृति है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व मानव मानते हैं। अभी अभी शिवमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुवेंपो कर्नाटक के राष्ट्रकवि हैं, कुवेंपो उन्होंने जो विश्व मानव का जो एक डिस्क्रिप्शन अपने कृतियों में लिखा है, येदियुरप्पा ने कहा कि विश्व मानव का जो डिस्क्रिप्शन कुवेंपो ने लिखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है। तो यही वजह है, यही बात है।